आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं उसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, मेहंदी लगाने का बिजनेस। हमारे देश में किसी भी तीज त्योहार या शादी में मेहंदी लगाना जरूरी होता है। बदलते वक्त के बाद भी मेहंदी की मांग किसी तरह से कम नहीं हुई है। देखा जाए तो त्योहारों के इस देश में मेहंदी का बड़ा व्यापार है। मेहंदी का इस्तेमाल वैसे तो बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, लेकिन बदलते हुए तकनीक के सहारे इसमें कई तरह के चेंजेस भी आए हैं। लोगों को आज मेहंदी कम समय में ज्यादा लाल और निखरी चाहिए। अगर आप भी मेहंदी लगाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे शुरू करें मेहंदी लगाने का बिजनेस। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मेहंदी पार्लर के सही नाम का चुनाव। आपके मेहंदी पार्लर का नाम दूसरे पार्लर से अलग और यूनिक होना चाहिए, क्योंकि पार्लर का नाम ही ग्राहक पर असली असर छोड़ता है। इसके अलावा आपको मेहंदी से जुड़ी सारी डिजाइन आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अपने पार्लर के नाम का अच्छा लोगो तैयार करवाएं और वो मेहंदी की डिजाइन के कुछ वीडियोस अपलोड कर दें। मेहंदी पार्लर खोलने के लिए जगह का चुनाव। यदि आप घर से ही मेहंदी लगाने का काम करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन आप घर के बाहर कोई पार्लर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किराए में अच्छी सी दुकान देखनी होगी। ये जगह मार्केट में होनी चाहिए जहां महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए आसानी से आ सकें। मेहंदी के प्रकार। अरेबिक मेहंदी, भारतीय मेहंदी, पाकिस्तानी मेहंदी, धार्मिक डिजाइन मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, ग्रूम मेहंदी, ग्लिटर मेहंदी, मल्टी कलर मेहंदी, मुगलई मेहंदी, मोरक्कन मेहंदी। कितना होगा निवेश? मेहंदी का बिजनेस शुरू करने में आपको निवेश नहीं करना होगा, ये तो आपका खुद का हुनर है। आप जितना चाहें उतने में इसे बेच सकते हैं। एक मेहंदी का कोन मुश्किल से 10 से 20 रुपए में आता है। कितनी होगी मेहंदी के बिजनेस में कमाई? आप इसकी कमाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जितनी अच्छी मेहंदी का डिजाइन आप लगाएंगे उतना ही पैसा चार्ज कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा कम चार्ज रखें और साथ ही मार्केट रेट एक बार चेक कर लें। इसके बाद आप अपनी डिजाइन के हिसाब से पैसे ले लें। जब आपके पास अधिक से अधिक लोग सीखने आएंगे तो आप महीने में 20 से 30 हजार के करीब आराम से कमा सकते हैं। कैसे करें मेहंदी की मार्केटिंग? मेहंदी की मार्केटिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी सुंदर मेहंदी बना सकते हैं। जितनी सुंदर आपकी मेहंदी के डिजाइन होंगे उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप अपनी मेहंदी डिजाइन की मार्केटिंग के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें। आप चाहें तो यूट्यूब पर अपनी मेहंदी के वीडियोज डाल सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हर साइट पर अपना मोबाइल नंबर डालें ताकि लोगों तक आपकी पहुंच जा सके और ऑर्डर मिल सके। मार्केटिंग के लिए आप अपना विजिटिंग कार्ड और बैनर बनवाएं। जब आप कहीं मेहंदी लगाने जा रहे हैं तो वहां के सभी लोगों में अपने विजिटिंग कार्ड दें और अपने बिजनेस की जानकारी उन्हें दें। तो देर किस बात की, आप भी अपना मेहंदी पार्लर का बिजनेस आज ही शुरू करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।